आई दिवाली खुशियों को संग लाई दिवाली, बच्चे आए बड़े भी आए सबने सुंदर दीप जलाए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ काजोल। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। पूरे देश भर में दीपावली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज हमारा खास प्रोग्राम इसी को लेकर है कि कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। ऐसी बहुत कुछ जानकारियाँ हैं जो हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए पहुँचा रहे हैं। त्योहारों का वातावरण तो शारदीय नवरात्र से ही शुरू हो जाता है, लेकिन दीपावली की असली शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज तक चलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है। दीपावली प्रकाश का उत्सव है जो सत्य की जीत और आध्यात्मिक अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात के समय प्रत्येक घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी, विघ्न विनाशक गणेश जी और विद्या की देवी मातेश्वरी सरस्वती देवी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात अर्थात अर्धरात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक में आती है और प्रत्येक सदगृहस्थ के घर में विचारण करती है। जो घर हर तरह से स्वच्छ, शुद्ध और सुंदर तरीके से सुसज्जित और प्रकाश युक्त होता है वहाँ अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया सवारा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और असुरों के प्रतीक रावण का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राजरोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था, इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। एक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन आतिशबाजी इसलिए की जाती है ताकि दिवाली की रात अमावस्या की काली रात होती है और पितरों की रात आरंभ होती है, कहीं वे मार्ग भटक ना जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इस प्रथा का बंगाल में विशेष प्रचलन है। आपने देखा कि दीपावली देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से मनाई जाती है, जैसा कि उत्तर भारत में भगवान राम के अयोध्या पुनः आगमन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा करके मनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली को हम भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, लेकिन इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? और इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश को भी क्यों पूजा जाता है, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली भारत का अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक पर्व है। इस दिन हम धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। शुभ कार्य कर गणेश पूजन के बगैर कभी पूरा नहीं होता। वे विघ्न विनाशक और विघ्नेश्वर हैं। यदि व्यक्ति के पास खूब धन संपदा है और बुद्धि का अभाव है तो वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। अतः व्यक्ति का बुद्धिमान और विवेक होना भी आवश्यक है, तभी धन के महत्व को समझा जा सकता है। गणेश का विशाल उदर अधिक संपदा का प्रतीक है और सूर्ण कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक है। साथ ही इनकी पूजा करने से संकटों का नाश भी होता है। गणेश लक्ष्मी की एक साथ पूजा और दोनों की कृपा के महत्व का कोई कई कहानियों के माध्यम से बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों की एक कथा में ये प्रमाण है कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है। आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है। एक बार की बात है, एक राजा ने किसी लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का पूरा जंगल दे दिया, लेकिन लकड़हारा बुद्धू और गवार था। वो चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं समझ सकता था। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल साफ कर दिया और फिर से अपनी बदहाल अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि वो सारी लकड़ियां भोजन पकाने में जला चुका था। राजा ने सोचा कि ये सच है कि बुद्धि होती है तभी लक्ष्मी अर्थात धन का संचय किया जा सकता है। गणपति बुद्धि के स्वामी है, बुद्धिदाता है, यही कारण है कि लक्ष्मी और गणपति की एक साथ पूजा विधान है। भारतीय वेद पुराणों में इस तरह की कई अन्य कथाएं प्रचलित हैं जिनमें गणेश, माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है इस बात को बतलाती है। बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि लक्ष्मी जी आ भी जाएं तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इस प्रकार दिवाली की रात में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की आराधना की जाती है। दिवाली दीपों का त्योहार है, मिलकर दीप जलाएंगे, सजा रंगोली से आंगन को सबका मन हर्षाएंगे। वैसे तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और इनकी पूजा सभी देवताओं की पूजा से पहले की जाती है। और आपने ये भी देखा कि क्या भगवान गणेश की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ क्यों मनाई जाती है। अब जरूरत है इस दीपावली में माँ लक्ष्मी जी को खुश करने की, तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि देवी लक्ष्मी को कैसे खुश करें।
होली पर लक्ष्मी जी का पूजन घरों में ही नहीं दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है। कर्मचारियों को पूजन के बाद मिठाई, बर्तन और रुपए आदि भी दिए जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आज के दिन व्रत रखना चाहिए और मध्य रात्रि में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद ही भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता की पूजा का भी विधान है, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी धन की देवी है तो कुबेर देवता धन को सजो कर रखने वाले देवता है। किसी भी पूजन को पूरा करने के लिए पूजन सामग्री विशेष महत्व रखती है। लक्ष्मी जी को खुश करने वाली पूजा सामग्री इस प्रकार है। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, बताशे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगा जल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई और कलावा, नारियल, तांबे का कलश होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी का कहना है कि अगर भगवान विष्णु यानी कि लक्ष्मी जी के पति अगर गंदे रहेंगे तो वो उनको भी छोड़कर चली जाएंगी। यही वजह है कि दीपावली में घर की साफ सफाई विशेष महत्व रखती है, इसलिए घर को साफ करने के बाद लक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है। लक्ष्मी जी के पूजन के लिए घर की साफ सफाई करके दीवार पर गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाया जाता है या फिर लक्ष्मी जी का कैलेंडर भी लगा सकते हैं। रात संध्या के समय भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन, केला, पापड़, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर मौली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की मिट्टी या चांदी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उन्हें तिलक लगाना चाहिए। चौकी पर 6 चौमुखी दिए और 26 छोटे दीपक रखने चाहिए। फिर गंगा जल, मौली, चावल, फल, गुड़, गुलाब, धूप आदि से विधिवत पूजा करना चाहिए। पूजन करने के बाद एक एक दीपक पूरे घर में रखें और एक छोटा दीपक और एक चौमुखा दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रहने दें। इस पूजन के पश्चात तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। अपने व्यापार के स्थान पर बही खातों की पूजा करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो घर की बेटी बहुओं को रुपया दें। एक मान्यता के अनुसार मास के अमावस्या की रात भगवान विष्णु क्षीर सागर की तरंग पर सुख से सोते हैं और लक्ष्मी जी भी दैत्य भय से विमुख होकर कमल के अंदर में सुख से सोती है। इसलिए मनुष्य को सुख प्राप्ति का उत्सव विधि पूर्वक करना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार रात्रि की ब्रह्म बेला अर्थात प्रथा काल उठकर पुराने सूप में घर का कूड़ा रखकर घर से बाहर फेंकने जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। ये प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले स्नेह लुटाओ सब पर, फिर खुशियों के दीप जलाओ। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही दीपावली पर्व की याद भर आने से ही मन में खुशियों के दीप जलने शुरू हो जाते हैं और ये खुशी दीपावली पर अपने चरम पर होती है। दीपावली पर एक खास बात और है जिस पर सभी लोगों का विशेष जोर रहता है, वो है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस दीपावली पर आप देखिए कि लक्ष्मी जी आपके घर आ चुकी है या आप कैसे पहचानेंगे। दीपावली की रात देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जिसके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उनके लिए पूरा साल खुशियों से भरा रहता है। धनागमन और लाभ का स्रोत बना रहता है। भौतिक सुख के साधन और स्थायी संपत्ति में इजाफा होता है। शकुन शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि इस वर्ष आप पर लक्ष्मी की कृपा हुई है। कैसे पहचाने माँ का आगमन। उल्लू की रिपीट। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि दीपावली की काली अमावस्या की रात देवी लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर भ्रमण करने निकलती हैं। इसलिए इस दिन उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली की रात अगर बिल्ली घर में आ जाए तो खुश होना चाहिए, ये धन वृद्धक का सूचक है। बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला जीव माना जाता है, लेकिन दिवाली की रात अगर बिल्ली दिख जाए तो इससे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर दीपावली की रात चुचुंदर घर में आ जाए तो इसे भी शुभ संकेत समझा जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार केसरिया गाय देवत्व का प्रतीक है और दिवाली की रात इसे देखने से सुख समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए इस बार दीपावली पर केसरिया गाय के दर्शन करें। दीपावली के दिन अगर गिरा हुआ या कहीं से अटका हुआ धन मिले तो इसे भी शुभ शगुन माना जाता है। इस दिन उपहार मिलना भी शुभ शगुन है, इसलिए दिवाली के दिन एक दूसरे को उपहार देने का रिवाज है। भारत ही नहीं विदेशों में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली। इस मौके पर लोग अपने घरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं, घर के भीतर बाहर रंग बिरंगी रोलियां बनाते हैं और पूरे घर को रोशनी से जगमगा देते हैं। मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को स्वच्छ रखें और अच्छे से सजाएं। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सही विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं आती।
शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्द लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकती है। हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपना कर इस दिवाली आप अपने जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और समृद्धि पा सकते हैं। धन कमाने के रास्ते हर कोई तलाश रहा है, पर रास्ते भी भाग्य से मिलते हैं। भाग्य साथ न दे रहा हो तो हमारे शास्त्रों में ऐसे तमाम उपाय दिए गए हैं जिन्हें हम आजमाएं तो भाग्य खुल भी जाता है, अन्यथा तत्कालिक जरूरतों को तो पूरी हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पूजा घर की सजावट के दौरान काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। फोटो और मूर्तियों की सफाई के लिए स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल करें। इस दीपावली यदि आप अपने घर के मंदिर को दिव्य स्पर्श देना चाहते हैं तो मंदिर में अभिमंत्रित मेरु पुरुष यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र को धनतेरस से दिवाली के शुभ मुहूर्त में अपने घर ला सकते हैं। मूर्ति की सही जगह। घर का उत्तरी हिस्सा धन संपत्ति से संबंधित होता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन घर के उत्तरी हिस्से में करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को माँ लक्ष्मी की मूर्ति के बाएं तरफ जबकि माँ सरस्वती को दाहिनी तरफ रखें। देवी देवताओं की मूर्तियों को हमेशा सही तरीके से और सही क्रम में रखें। मूर्तियों को उत्तर पूर्व दिशा में रखें जबकि कलश को पूजा स्थल के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। अव्यवस्था से पाए छुटकारा। इस दिवाली घर के अंदर जो भी फालतू सामान है जिनका आप उपयोग नहीं करते और भविष्य में उपयोग लायक नहीं है घर से बाहर कर दें। वास्तु के अनुसार घर का प्रवेश द्वार संभावनाओं से संबंधित है, इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि आपका मुख्य द्वार पूरी तरह से खुला हो। मुख्य द्वार के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नरक चतुर्दशी। घर की साफ सफाई और घर से नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए नरक चतुर्दशी का दिन सबसे बेहतर है, जो दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन माँ काली या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर किया जा सके और घर में स्वास्थ्य सुख समृद्धि का आगमन हो सके। नमकीन जल छिड़काव। पानी में नमक मिलाएं और पूरे घर में इसका छिड़काव करें। ऐसी मान्यता है कि नमक हवा से नकारात्मकता को सोख लेता है और घर के भीतर एक सकारात्मक वातावरण सृजित करता है, जो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए बेहद जरूरी है। इस सरल प्रयोग को पूर्ण पवित्रता से करने पर लाभ अवश्य मिलता है। लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जाती है, धन की वर्षा होती है, रुका पैसा तो मिलता ही है, आय के नए नए साधन भी जुटने लगते हैं। 12 राशियों का अपना अलग ही महत्व रहता है। इस 12 राशियों के माध्यम से ही मनुष्य के स्वभाव को वर्णित किया जाता है। ग्रहों की चाल के मुताबिक ही किसी राशि पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो किसी राशि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भर करता है। दीपावली के त्योहार में महायोग बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसी कुछ राशियां हैं जिनका भाग्य बदलने वाला है। आप भी जानिए कि कौन सी हैं वे राशियां जिन पर इस दीपावली का विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। दिवाली का आपकी राशियों पर प्रभाव। मेष राशि। कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा, मन शांत रहेगा, धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, माता का सहयोग मिलेगा, माता से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं, किसी मित्र का आगमन हो सकता है, बौद्धिक कार्यों से धनार्जन होगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, परिवार के संग किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना हो सकता है। वृष राशि। धर्मशीलता में कमी रहेगी, आत्मसंयत रहेंगे, शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकता है, किसी मित्र के सहयोग से कारोबार विस्तार होगा, लाभ के अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। मिथुन राशि। आत्मविश्वास में कमी आएगी, सुस्वाद खान पान में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, किसी मित्र के सहयोग से संपत्ति में निवेश कर सकते हैं, संचित धन में कमी आएगी, कला और संगीत में रुचि बढ़ेगी, वस्त्रों पर खर्चा बढ़ेगा, नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि संभव है, परिश्रम की अधिकता रहेगी, खर्चों से में वृद्धि होगी। कर्क राशि। अपनी भावनाओं को वश में रखें, आत्मविश्वास में कमी आएगी, क्रोध के अतिरिक्त से बचें, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है, कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन लाभ हो सकता है। सिंह राशि। मन में निराशा असंतोष के भाव रहेंगे, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, पठन पाठन में रुचि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कन्या राशि। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिश्रम की अधिकता रहेगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, वस्त्रादि उपहार भी मिल सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के साथ एक दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। तुला राशि। वाणी में कठोरता के भाव रहेंगे, बातचीत में संयत रहें, वस्त्र आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा, माता से विचारों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धन प्राप्ति भी होगी, संचित धन में वृद्धि होगी, नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि। राशि। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, आलस्य की अधिकता रहेगी, घर परिवार की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। धनुराशि। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, अध्ययन में रुचि रहेगी, संपत्ति के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य विकार हो सकता है,
मकर राशि। कार्यक्रम में जाना हो सकता है, रहन सहन में असहज रहेंगे, मीठे खान पान के रुझान बढ़ेगा, संपत्ति से आय से बढ़ोतरी हो सकती है, नौकरी में स्थान परिवर्तन संभव है, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, मन में प्रसन्नता के भाव तो रहेंगे, क्रोध के अतिरिक्त से बचें, माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है, आय में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, लेकिन परिवार का सहयोग मिलता रहेगा, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना हो सकता है, खान पान के प्रति सचेत रहें। तो ये राशियों के अनुसार आपकी दिवाली कैसे पूरी होगी ये हम आपको बता रहे हैं। बम पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कुछ जगहों पर पटाखे पूरी तरह से बैन है। दीपावली त्यौहार मिलन का, घर घर मिलने जाएंगे। रोशनी के त्यौहार दीपावली के मौके पर देश भर में खुशियाँ मनाएंगे। दिवाली की रात आसमान में आतिशबाजी और गली मोहल्लों में धूमधाम होगी। ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो जाहिर है कि इस महापर्व पर जमकर आतिशबाजी होती है, लेकिन आतिशबाजी के समय किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। जगमग करते दिए और तरह तरह की मिठाइयों के बाद जो चीज़ दिवाली की खुशियों को दोगुना कर देती है वो है पटाखों की धूम। सिर्फ दिवाली ही क्यों, जीत और जश्न का कोई भी मौका हो पटाखों के बिना अधूरा ही रहता है। ये तो हर भारतीय जानता है कि दिवाली श्री राम जी के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापसी आने की खुशी में मनाई जाती है। भले ही बदलते दौर के साथ पटाखों का रंग रूप और आकार बदलता चला गया, लेकिन हर दौर में फुलझड़ी और पटाखे खूब चले हैं। लेकिन पटाखे चलाना कहीं भारी न पड़ जाए इसके लिए अपनाएंगे टिप्स। कुछ जगहों पर पटाखे बैन हैं तो सावधान रहें, ये जरूर हम आपको बता रहे हैं। क्या सावधानियां रखें, बुजुर्गो बीमार बच्चों के कान में रूई डालकर रखें, मरीजों को खासतौर पर पटाखों से दूर रखें। दिवाली के दिन आप कपड़े और सूती कपड़ों का चुनाव करें, रेशमी कपड़ों को बिल्कुल ना छोड़ें क्योंकि रेशमी कपड़े आग जल्दी पकड़ते हैं। दिवाली के दिन पटाखे छोड़ने के लिए किसी सेफ जगह का चुनाव करें। पटाखे जलाने से पहले पास में एक पानी की बाल्टी रखें, फर्स्ट बॉक्स को भी तैयार रखें, फर्स्ट बॉक्स में कॉटन पट्टी एंटीबायोटिक टैबलेट रखें, पटाखों को अपनी जेब में रखने की बेवकूफी ना करें, पटाखों को हाथ में लेकर या हवा में उछालकर ना फेंकें। पटाखे तो हम सभी खूब फोड़ते हैं, लेकिन दिवाली के दूसरे दिन भी हम सभी का नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि दिवाली के रात जलाए गए पटाखों से हुए कूड़े को हम सभी मिलकर दूसरे दिन साफ करें और प्रदूषण ना फैले इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ताकि हमारा वातावरण और हमारे आसपास सफाई बनी रहे। पैकेज 8 दिवाली स्वदेश। इतिहास में माटी का टुकड़ा कुम्हार ने ढाला है, दिए उजाले का त्यौहार हमारा। दिवाली पर चीनी झालर, जले ना किसी भी घर मेरे भाई, चीनी सामानों को ना कह दो, कर दो इसकी मूड पिटाई, आओ अब स्वदेशी अपनाएं। न्यूज वन इंडिया हमेशा से ही स्वदेशी सामानों की खरीदारी के पक्ष में रहा है, इसलिए बॉयकॉट चाइना की मुहिम लगातार हम चला रहे हैं। इस मुहिम का मकसद देश के बेरोजगारों को रोजगार और गरीबों को दो वक्त की रोटी दिलाना है, क्योंकि जब देश में स्वदेशी सामान बनेगा तभी तो लोगों का काम बनेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस दीपावली के साथ साथ हमेशा स्वदेशी सामान ही खरीदें। हमारी रिपोर्ट इसी पर है कि स्वदेशी सामान क्यों खरीदें, आप भी देखिए। इतिहास में माटी का टुकड़ा कुम्हार ने ढाला है, दिए उजाले का त्यौहार हमारा आने वाला है। जब त्यौहार हमारा है तो खुशियां बाहर क्यों भेजें, आओ हम सब उस कुम्हार की इच्छा को पूरा कर दें, लेकर दिए उसी से उसके घर में भी खुशियां भर दें। ये भले ही किसी की लिखी कविता ही सही, लेकिन इस बात को सच में दिखाया है। इतना ही नहीं, स्वदेशी दिवाली मनाओ, चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, इसको लेकर भी हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं। अब जब जान चुके हैं कैसे हमारा ही पैसा चीन के जरिए हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है, तो इस दिवाली सजग रहें, स्वदेशी दिवाली मनाएं, अपने देश और अपने आप को सुरक्षित रखें। दीपावली यानी कि खुशियों का त्यौहार, दीपावली यानी दीपों का त्यौहार, दीपावली यानी खेल खिलौने का त्यौहार। दीपावली के पूजन के लिए खील बताशा और चीनी के खिलौने का विशेष महत्व होता है। बड़ी दिवाली हो या छोटी दिवाली हो या गोवर्धन की पूजा हो, चीनी के बने बताशे, खिलौना और धान के खील के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि निर्धन परिवार से लेकर संपन्न परिवारों तक के लोग खिलौने बताशे की खरीदारी अवश्य ही करते हैं। पता नहीं कब खील बताशे दीपावली का हिस्सा बने होंगे, कितना कुछ बदला, लेकिन खील बताशे ना जाने किस तरह जिद से अब तक बचे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा खील बताशों से ही क्यों की जाती है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
दिवाली रंगोली सजाने और मिठाइयों का त्यौहार है। आधुनिकता के दौर में भले ही सूखे मेवे और मिठाइयों का महत्व बढ़ गया हो, लेकिन चीनी से बने खिल बताशे और खिलौनों की खासियत अभी भी बरकरार है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन में आवश्यक रूप से प्रसाद के तौर पर चढ़ाने के लिए चीनी से बने विभिन्न रूपों से ढले खिलौनों का और खिलों का अपना पुराना महत्व है, क्योंकि खिल और खिलौने बताशे के प्रसाद की पवित्रता है। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। पूजा में चावल को पवित्र माना जाता है, फिर भी किसी शुभ कार्य में मीठे का प्रयोग किया जाता है। इसे दिवाली के मौके पर भगवान राम लक्ष्मण सीता के आगमन की खुशी में उस दौरान पूरे नगर में खीर और बताशे का प्रसाद बांटा गया। तब से लेकर अब तक खीर और चीनी से बने हुए खिलौने बताशे के प्रसाद रूप में बांटे जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि दिवाली पर धन की देवी लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में खीर बताशे अवश्य रखें, इसके पीछे भी एक वजह है। खीर खिलौने से देवी लक्ष्मी की पूजा। खीर यानी धान, धान चावल का ही एक रूप है। खीर चावल से बनती है और चावल उत्तर भारत का प्रमुख अन्न है। वैसे लक्ष्मी जी को बेसन के लड्डू और भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। दिवाली के पहले इसकी फसल तैयार हो जाती है। इस साल लक्ष्मी को फसल के पहले भोग के रूप में खील बताशे चढ़ाए जाते हैं। खील बताशे का ज्योतिष महत्व है। दीपावली धन और वैभव की प्राप्ति का त्यौहार है और धन वैभव का दाता शुक्र ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह का प्रमुख धान ही होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए हम लक्ष्मी को खील बताशे चढ़ाते हैं। यही वजह है कि दिवाली के दिन खिल बताशे चढ़ाए जाते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इन्हें मिष्ठान की जगह प्रयोग करते हैं। आधुनिकता के दौर में मावा निर्मित मिष्ठानों ने एक जगह बना ली है, जिससे ही दिवाली लेकर भाई दूज तक जमकर बिक्री होने लगी है। परंतु मिलावट के इस दौर में अब आम आदमी फिर से खिलौनों की तरफ आकर्षित हुआ है। खिलौनों की तरह तरह की आकृतियां देखकर छोटे बच्चे काफी खुश होते हैं और बड़े ही शौक से खाते हैं। हलवाइयों की दुकानों से खरीदे जाने वाली मिठाइयों को मिलावट के कारण खाने पर बीमार होने का अंदेशा रहता है। खिलौने खाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनका बाजार भी अभी भी महत्व बरकरार है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब हंसते आओ, आज दिवाली रे। दिवाली के इस खास प्रोग्राम में बस इतना है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया अपील करता है कि पटाखे जरा संभाल कर फोड़े, पटाखे फोड़ते वक्त सावधानियां रखें। तो हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।